हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम जाएंगे जहां सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उससे पहले हमारे संवाददाता निर्णय कपूर हर उस स्पॉट पर गए जहां पीएम जाने वाले हैं। सबसे पहले साबरमती आश्रम से निर्णय की रिपोर्ट देखिए जो बता रहे हैं कि आज का दिन कैसे आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में माइलस्टोन बनने वाला है। आजादी के 75 साल का जो सेलिब्रेशन है, आजादी का अमृत महोत्सव, उसकी शुरुआत होगी अहमदाबाद के इसी साबरमती आश्रम से, जहां प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे और यहां गांधी जी का जो ये घर है हृदय कुंज, यहां पहुंच करके गांधी जी के दर्शन करेंगे, गांधी जी के फोटो पे फूल माला चढ़ाएंगे और यहां से उसके बाद फिर वो अभय घाट पर जाएंगे, यहां से 200 मीटर दूर, और वहां पहुंच करके इस दांडी यात्रा की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता दूं, आज से 91 वर्ष पूर्व 1930 में, 12 मार्च 1930 में इसी साबरमती आश्रम से गांधी जी ने पदयात्रा शुरू की थी दांडी के लिए, नमक सत्याग्रह के नाम से जिसे जाना जाता है, जिस मार्च को, और एक तरह से वो मार्च जो है वो स्वदेशी मूवमेंट का प्रतीक बन गया, आत्मनिर्भरता की ओर भारत को ले जाने का प्रतीक बन गया। और मैं आपको बता दूं, आज जब भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहा है, जो जिस तरह के एफर्ट्स पिछले एक साल में हुए हैं, उसी आत्मनिर्भर भारत का जो ये अभियान है उसको भी इस आज़ादी के सेलिब्रेशन से एक नए रूप में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सारी तैयारियाँ जो हैं वो कर ली गई हैं और गांधी आश्रम जो है वो पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सबसे पहले यहीं पहुँचेंगे, यहाँ दर्शन करके, और सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है, हो सकता है वो वहाँ भी जाएं, उन्हें फूल माला पहनाने के लिए कस्टम्स हैं यहाँ गांधी आश्रम के, और उसके बाद फिर वो सीधा जो सभा स्थल बना हुआ है वहाँ से यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पूरे साल में, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला धीरे धीरे अब साबरमती आश्रम की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है और साबरमती आश्रम प्रधानमंत्री का ये काफिला पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं। 91 साल पहले 1930 को आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। नमक कानून जो उस दौरान ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और दांडी उसका एक केंद्र बिंदु रहा था। जब महात्मा गांधी ने यहां से शुरुआत की थी साबरमती से ही दांडी मार्च की, और उसके बाद जब वो पहुंचे थे दांडी, जहां जाकर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस अभियान में शामिल हैं, सारे देश और दुनिया भर में पहले। तो प्रधानमंत्री मोदी, जब 75 साल पूरे हो रहे हैं हमारे आज़ादी के, तो इस मौके पर खास तैयारियां की जा रही हैं। तो अगले यानी 2022 तक 75 हफ्ते तक इसी तरह से आज़ादी के जश्न को मनाया जाएगा, आज़ादी के इस महोत्सव को मनाया जाएगा, और उसकी पहली कड़ी इस वक्त हम देख रहे हैं जिसकी शुरुआत हो रही है साबरमती आश्रम से, जहां से प्रधानमंत्री मोदी दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। और बेहद ही खास मौका है, 91 साल पूरे हो गए और दांडी मार्च हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें एक ऐसी मील का पत्थर साबित हुई जिसने ब्रिटिश राज को हिला दिया। दांडी मार्च स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा रहा। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ, सत्याग्रहियों के साथ बापू ने मार्च शुरू किया, साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल कूच की। 24 दिन के आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी, अंग्रेजों के नमक टैक्स पर विरोध जताने के लिए यह आंदोलन हुआ और दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम पहुंचे हैं, स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जो अलग अलग चीजें यहाँ तैयार की गई हैं इस महात्मा गांधी आज के इस महोत्सव को लेकर, हर एक उस चीज में शिरकत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत वो कर रहे हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के साथ। तो बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। A floral tribute to Bapu.
by the Honorable Prime Minister of India on behalf of a grateful nation. तो प्रधानमंत्री मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद यहां से 91 साल बाद जब हम हमारे आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे उसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन है, उसमें एक महत्वपूर्ण रहेगा ये दांडी मार्च। 390 किलोमीटर लंबी ये यात्रा रहेगी जिसकी शुरुआत आज 12 मार्च 2021 में की जा रही है। इसकी शुरुआत होगी साबरमती आश्रम से, इसके बाद ये हल्साली, नवगाम, मातर, नडियाड, आनंद, बोरसाड, कांकापुरा, करैली, अणखी, अमोद, सामनी, दिरौल, अंकलेश्वर, मागरोल, उमराची, भाटगाम, देलाट, सूरत, वाज, दमन, मालवाड़ और उसके बाद जाके दांडी में यह ख़त्म होगी। 5 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएगी ये यात्रा जिसकी शुरुआत आज हो रही है। 390 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा रहेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने लगातार इस बात का जिक्र किया कि जब देश 75वीं आज़ादी की सालगिरह मनाएगा, हमारे साथ निर्णय कपूर भी जुड़ गए हैं। निर्णय, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, इसके आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका भी? देखिए अमित, प्रधानमंत्री मोदी अभी इस वक्त गांधी आश्रम पहुंचे हैं और यहां वो पहुंच करके सबसे पहले गांधी जी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करेंगे। और जी प्रधानमंत्री ने वो कर दिया, उसके बाद वो आश्रम में पहुंचे हैं, महात्मा गांधी का निवास स्थान है जी, वो महात्मा गांधी का जो निवास स्थान है हृदय कुंज, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अब वो एंटर करेंगे। और यहाँ पे बाकायदा जो गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है उस पर भी वो फूल माला चढ़ाएंगे। हो सकता है यहाँ बैठ करके वो सिंबॉलिक जो चरखा कातते हैं वीआईपी डिग्निटरीज, हो सकता है वो चरखा कात करके जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश जो है उसको यहीं से पूरे देश की जनता को दें। और इसके बाद यहाँ कुछ देर रुकने के बाद वो सीधा जो यहाँ से करीब 200 मीटर दूर अभय घाट के पास समारोह स्थल है, वहाँ से इस अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, अब से 75 हफ्तों बाद देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेगा और आने वाले इन 75 हफ्तों में किस तरह से कार्यक्रम होंगे उसका एक झलक, एक भव्य झलक आज यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत उस प्रसिद्ध दांडी मार्च से की जाएगी। हूबहू उसी तरह से दांडी मार्च को फ्लैग ऑफ किया जाएगा जैसे 91 वर्ष पूर्व गांधी जी ने शुरू किया था। और आपको पता है कि वो जो दांडी मार्च था वो हमारे देश के आज़ादी के मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट बन गया था, उसने देश के इस आज़ादी के मूवमेंट को एक ग्लोबल रिकग्निशन दिलाया था और जिसके बाद पूरा ग्लोबल अटेंशन भारत की तरफ हुआ। और आपने देखा जी, निर्णय जरा तस्वीरें हम दिखा दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक संदेश लिख रहे हैं यहाँ पर, इस वक्त हृदय कुंज के ठीक सामने जो निवास रहा है महात्मा गांधी का जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे, ठीक उसके बाहर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर संदेश लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इच्छा जाहिर की थी कि जब 75 साल पूरे होंगे देश की आज़ादी के तो उस वक्त देश कई मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिसमें एक सपना उनका ये भी रहा है कि देश में हर किसी के पास छत हो रहने के लिए, वो एक उनका सपना रहा है। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से लगातार कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर होना है तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। और दांडी मार्च जो एक आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हुई थी जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के नमक कानून के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की थी और नमक बनाया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी ये चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने हर क्षेत्र में ताकि देश की जो ताकत है और देश का जो विकास है कोई रोक ना पाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने से आपको बता दें कि एक बड़ा संदेश भी जाएगा देश को कि 75 वर्षगांठ जब हम मनाएंगे, 75 साल मनाएंगे आज़ादी के, तब भारत आगे क्या सोचेगा, क्या देखेगा, क्योंकि जब 91 साल पहले महात्मा गांधी ने यहां से दांडी मार्च किया था तब उनका सपना था आज़ाद भारत का। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम लोग नजर आ रहे हैं। और ये जो 390 किलोमीटर का लंबा
390 किलोमीटर का लंबा जो सफर रहेगा उसमें करीब 20 जगहों पर ये जगह जो यात्रा है होते हुए दांडी में पहुंचेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी अब आगे निकलेंगे जहां पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हम रुख करते हैं निर्णय का, क्योंकि निर्णय वही मौजूद है। निर्णय, प्रधानमंत्री मोदी अब अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और निर्णय आगे वो निकल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? आजादी का अमृत महोत्सव जिसकी आज विधिवत। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, आपने बीच में ही रोक दिया हमें, तो वो ये था कि प्रधानमंत्री अब समारोह स्थल पर पहुंचेंगे जहां से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की शुरुआत की जाएगी और दांडी मार्च को फ्लैग ऑफ करके वो इस अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। अमृत महोत्सव का अर्थ ये है कि आने वाले 75 हफ्तों तक जो आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं उसका सेलिब्रेशन होगा देश में। और आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का उद्बोधन जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 स्तंभों पर यह आधारित रहेगा यह सेलिब्रेशन, जिसमें आजादी की फ्रीडम स्ट्रगल जो थी उसकी चर्चा तो होगी, लेकिन नए आइडियाज जो हैं उसके बारे में चर्चा होगी, नए जो इनोवेशंस हैं उसके बारे में चर्चा होगी, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, नए एक्शंस क्या लिए जाने हैं उनकी चर्चा होगी, और इन 75 सालों में क्या अचीव किया है भारत ने उसकी चर्चा होगी, उसके आधार पर देश को आगे किस नई दिशा में ले जाना है उसकी भूमिका इन 75 हफ्तों में तय की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है जब दांडी यात्रा से उसकी शुरुआत की जाए। बिल्कुल, दांडी यात्रा क्यों आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया, जिस तरह से उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वेग दिया और देश में स्वदेशी की एक जो लहर चल पड़ी, स्वदेशी विचारधारा की, उसने भारत में आत्मनिर्भरता का एक भाव पैदा किया। और आज जिस तरह से अमित प्रधानमंत्री भारत को एक बार फिर आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हैं, पिछले काफी महीनों से इस पर काम किया जा रहा है, उस निर्णय मैं आपको फिर से रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि बीच बीच में कुछ तस्वीरें आ रही हैं, इसलिए रोकना पड़ रहा है और तस्वीरें बतानी पड़ रही है दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का काफिला साबरमती आश्रम से निकलकर आगे की ओर जा रहा है, इसके बाद आप बताइए कि जो काफिला साबरमती आश्रम से अब कहां पहुंचा है और यहां पर क्या होने जा रहा है? देखिए, आश्रम से अभी निकले हैं प्रधानमंत्री और महज 200 मीटर के अंतर पर ये सभा मंडप बनाया हुआ है अभय घाट के पास। अभय घाट में आपको बता दूं, स्वर्गीय मुरारजी देसाई की समाधि है वहाँ, उसके बिल्कुल बगल वाले प्लॉट में ये एक बड़ा डोम बनाया हुआ है जहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के को यदि हम देखें तो एक दांडी यात्रा का एक थीम सॉन्ग बनाया गया है जिसको लॉन्च करेंगे, इंडिया एट 75 कैसा होना चाहिए उसको रिफ्लेक्ट करते हुए एक लोगो जो है वो लॉन्च किया जाएगा। बकायदा दांडी यात्रा की एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी और इंडिया एट 75 की भी एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात अमित, जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा था पहले, कि आत्मनिर्भर भारत को कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को इसमें जोड़ा जाए, उसके लिए आज यहाँ पे एक नए स्वरूप में उसको लॉन्च किया जाएगा। आत्मनिर्भर एक इंक्यूबेटर लॉन्च किया जाएगा जिसका जो मुख्य केंद्र है साबरमती आश्रम ही होगा। और यहां से फिर से एक बार आपको मैं रोक रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके जिस डोम का आप जिक्र कर रहे थे, उसी डोम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश कर रहे हैं जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप देख सकते हैं कि जो तमाम यहां पर डिग्निटरीज हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ पर राज्यपाल भी होंगे। इसके अलावा आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एक प्रदर्शनी भी इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो भारत के प्रदर्शनी का अवलोकन 75 साल आजादी के हैं उससे जुड़ी हुई है। एक लंबा हमारा एक इतिहास रहा कि फ्रीडम स्ट्रगल रहा, हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने कई जुल्म सहे, लाठियां सही, कई लोगों ने शहादत दी, तब जाके देश आजाद हुआ 1947 को। अब उसी आजादी के जश्न के 75 साल हैं, तो इस 75 साल को हम कैसे मनाएंगे, किस तरह से हम याद करेंगे हमारे उन तमाम सेनानियों को जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपना खून बहाया, उसी की एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि मील का पत्थर जो साबित हुई थी हमारे आजादी की लड़ाई में, वो थी दांडी यात्रा, जिसकी शुरुआत साबरमती से 1930 को 12 मार्च के दिन ही शुरुआत हुई थी, यानी कि आज के दिन। निर्णय, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, एक गैलरी में पहुंचे, इसके बारे में बताइए। जी मैं इसी के बारे में आपको बताना चाह रहा था, ये बड़ा खास एक अट्रैक्शन है यहाँ पे जो स्पेशली इस इवेंट के लिए खड़ा किया गया। अमित, ये वो तस्वीरें हैं जो दांडी यात्रा की ओरिजिनल अनसीन ड्राइंग्स हैं। गांधी जी के साथ एक सत्याग्रही थे छगन जाधव,
जो कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में ही रहते थे, एक दलित पेंटर थे ये छगन जाधव, जो गांधी जी के साथ पूरी दांडी यात्रा के दौरान रहे और उस दौरान उन्होंने जो चित्र बनाए थे उन दुर्लभ चित्रों की ये प्रदर्शनी है। इनको एक्चुअली दिल्ली की जो मॉडर्न आर्ट गैलरी है, नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट, वहाँ पर रखा हुआ था और खास वहाँ से इन चित्रों को ला करके यहाँ पे रखा गया ताकि वो जो ग्लोरियस मोमेंट्स थे उनको लोग एक बार फिर देख पाए, उसको रिलीव कर पाए। और मैं आपको बता दूं इन चित्रों के अलावा इसमें वो चित्र भी शामिल हैं जब दांडी यात्रा के बाद धरासना से गांधी जी की गिरफ्तारी जब हुई थी उस वक्त का चित्र भी इस प्रदर्शनी में मौजूद है। और इसके बाद वही छगन जाधव जो है वो गांधी जी के साथ गिरफ्तार भी हुए थे और जब वो नागपुर जेल में उनको रखा गया था तब नागपुर जेल में गांधी जी के जो चित्र थे वो भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए हुए हैं। तो पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो था उसको यहाँ पे देख करके कोई भी जो व्यक्ति है वो समझ पाएगा और उन गौरवान्वित जो पल हैं उनको महसूस कर पाएगा। ये खास तौर पे ये चित्र जो है ये आज यहाँ मंगवाए गए और यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो इसे बकायदा देख पाएंगे, उन जो पल थे उसको वो दोबारा एक तरह से महसूस कर पाएंगे क्या हुआ था उस वक्त, क्योंकि 90 साल पहले का के ये दुर्लभ चित्र थे। और मैं आपको बता दूं कि ये चित्र जो है ये इनफैक्ट एक अलग जगह पड़े हुए थे और इनके बारे में किसी को पता भी नहीं था, लेकिन अहमदाबाद में एक संडे मार्केट लगती है वहां से एक बुक मिली थी इन चित्रों के बारे में एक यहाँ जो इतिहासकार है उन्हें, और उन्होंने प्रधानमंत्री से उसको शेयर किया था उस बुक को, जिसके बाद बकायदा इन चित्रों को स्टोर किया गया और नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट में इसको रखा गया। वाकई निर्णय आपने जो जानकारी दी है सभी के लिए कितना प्रेरणादायक है कि वो तस्वीरें जो महात्मा गांधी के साथ जो सहयोगी थे उन्होंने उनके साथ दांडी यात्रा में शामिल थे, जो चित्र बनाए थे किसी को पता नहीं था, लेकिन आज वो चित्र एक बार फिर से दुनिया के सामने है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको फिर ले चलेंगे अहमदाबाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।